बड़ी खबर आ रही है, उस पर नजर डालेंगे। और बड़ी खबर बागपत से है। यहाँ नगर पंचायत की चेयरमैन नीलम धामा के देवर और उसके साथ ही गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दर्जन भर बदमाशों पर फायरिंग का आरोप है। पुरानी रंजिश में ये हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। ठेकड़ा थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो बागपत से ये बड़ी खबर, नगर पंचायत की चेयरमैन नीलम धामा के देवर की गोली मारकर हत्या की गई। कुलदीप चौहान का रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कुलदीप, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल आशुतोष, देखिए मैं बता दूंगा, जिस तरीके से ये वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया है, तो उसके बाद से ही जो जनपद भर के सभी थानों की पुलिस फोर्स मौके पर लगा दी गई है। और जो ठेकड़ा कस्बा है उसमें पूरी तरीके से आक्रोश है, क्योंकि जिस तरीके से दो लोगों की हत्या की गई है, और जो नीलम धामा चेयरमैन है ठेकड़ा के, उनके पति की भी कुछ साल पहले हत्या कर दी थी, जिसके बाद से ही उनके देवर और एक अन्य साथी की आज जिस तरीके से हत्या की है, तो पूरे तरीके से जो पुलिस यहाँ पर है, पुलिस को भी लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद से ही जो पुलिस के आला अधिकारी है, हालांकि टीम गठित करने की बात कह रहे हैं, लेकिन जो बदमाश थे जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया है, पुलिस की गिरफ्तार भी बाहर है। जी शुक्रिया कुलदीप इस जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर आजमगढ़ से है। यहां बदमाशों ने चुनावी रंजिश के चलते क्लिनिक में घुसकर डॉक्टर महेंद्र यादव सहित दो लोगों को गोली मार दी। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और एक की हालत यहां नाजुक बताई जा रही है, वाराणसी रेफर किया गया है। बदमाशों को भागते वक्त लोगों ने पकड़ लिया, एक बदमाश को पकड़ा। वहीं आपको बता दें पुलिस जो है वो तफ्तीश में लगी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक जुड़ चुके हैं। अशोक, इस वक्त क्या घटनाक्रम की जानकारी मिल पा रही है आपको? जी आपको बता दें अशोक कि डॉक्टर जब क्लिनिक बैठे हुए थे उसी समय बदमाशों ने गोली मारी है, और डॉक्टर जब गिर गए हैं तो अगल बगल के लोगों ने दौड़ाकर बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की है, जिसमें बदमाशों ने एक को और गोली मार दी है। दोनों की हालत चिंताजनक है, एक को वाराणसी रिफर कर दिया गया है, एक को आजमगढ़ रिफर किया गया है, जहां एक की हालत चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस अधीक्षक कहना है कि तीन थानों की फोर्स लगा दी गई है और आज रात भी तक गिरफ्तारी हो जाएगी। यह चुनावी रंजिश का मामला है और पहले भी डॉक्टर को धमकी दी गई थी, और क्लिनिक में दिन दहाड़े गोली मारकर बदमाशों ने अपनी औकात प्रशासन को दिखा दिया है। जी शुक्रिया अशोक इस जानकारी के लिए आपका। एक और बड़ी खबर हाथरस से, एक कार ने छह बच्चों को रौंद डाला है। एक बच्चे की मौत हो गई है, पांच इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। चंपा थाने के पास NH 93 की यह घटना है। तो यह बड़ी खबर हाथरस से, एक कार ने छह बच्चों को कुचल दिया है, एक बच्चे की इस वजह से मौत हो गई है और पांच बच्चे जख्मी बताए जा रहे हैं। NH 93 की घटना है चंपा थाने की। तो यह बड़ी खबर हाथरस से, एक बेकाबू कार ने छह बच्चों को रौंद दिया है जिसमें एक बच्चे की मौत। दीपेश शर्मा जुड़े हुए हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता। दीपेश, जानना चाहेंगे क्या जानकारी है, क्या कार्रवाई चल रही है? बता दूं ये NH 93 का मामला है, थाना चंपा क्षेत्र के पास। ये जो आजकल बारात चल रही है, बारात में लोग बच्चे, खासतौर से 12-14 साल के बच्चे अक्सर देखा जाता है कि मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं, बैंड बाजों के साथ हंडे उठाते हैं बिजली के, और आज ऐसे ही ये बच्चे बिजली के हंडे उठाने के लिए गए थे मजदूरी करने के लिए, किसी अज्ञात वाहन में उन्होंने रौंदा है, जिसमें एक बच्चे की मौत हुई है 12 साल के की, और पांच बच्चे घायल है, जिनमें एक की हालत नाजुक है, जिसे इलाज के लिए अलीगढ़ भेजा गया है। शुक्रिया दीपेश जानकारी के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से भी, यहां जूता व्यापारी को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी है, हालत गंभीर बताई जा रही है, गाजियाबाद रेफर किया गया है। बाइक सवार दो बदमाशों ने गोली मार दी, दादरी थाना क्षेत्र के अमका रोड की यह घटना है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित जुड़ चुके हैं। अमित, जानना चाहेंगे क्या कार्रवाई चल रही है, क्या जानकारी है इस बाबत? देखिए आशुतोष, जूता व्यापारी अपनी दुकान को बंद करके अपने घर जा रहा था, उसी वक्त उसके ऊपर हमला किया गया, कई राउंड यहाँ फायरिंग हुई, इस तरीके की जानकारी जो प्रत्यक्षदर्शी है वो दे रहे हैं। और जूता व्यापारी को करीब 2 से 3 गोलियां लगी हैं। उसके बाद जो बदमाश थे वो वहां से फायरिंग करते हुए फरार हो गए, और जो आसपास के लोग थे उनमें काफी भय आप देखने को मिला। फिलहाल जो बदमाश है वो घटना को अंजाम देकर फरार हो गए हैं, और घायल जूता व्यापारी की हालत गंभीर थी, तो उसको गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया है दादरी से। उसका इलाज चलता है। शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए आपका।